बोलिए शहीद स्थल रक्त तलाई की हल्दी घाटी की हेलो एंड वेलकम मित्रों, आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी बेसिक फिल्म। अभी हम हैं रक्त तलाई, यह शहीद स्थल है हल्दी घाटी का मेन रक्त तलाई है और यह काफी प्रसिद्ध है और यह जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर। आज यहाँ दीपांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूरा आज यहाँ पे शहीदों की याद में विशाल भजन संध्या कार्यक्रम भी है। आपको लाइव दिखाएंगे। इस चैनल के माध्यम से वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हल्दी घाटी का यह एक ऐतिहासिक स्थल है रक्त तलाई और रक्त तलाई में आज हम उपस्थित हैं और आप डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ हमारे स्थानीय लोगों के साथ में काफ़ी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे हैं दीप शहीदों को दीप जलाने के लिए। दीपांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम है आज और इसी के साथ आज यहाँ का एक भक्ति संध्या कार्यक्रम भी इस वीरभूमि में आयोजित किया जा रहा है जिसका भी लाइव आपको दिखाया जाएगा। और हमारे राणा पुंजा आदिवासी युवा जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दी घाटी के कोषाध्यक्ष जी अभी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। यहाँ पे सभी शहीदों को शत शत नमन। यह हल्दी भाई झील की यह हल्दी भाई झील के नाम से यह हल्दी घाटी प्रसिद्ध है, उन्हीं के नाम से हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी रखा गया है। और सभी शहीदों को आदिवासी वीर शहीदों को के साथ में महाराणा प्रताप थे सेना सैनिकों को सभी शहीदों को शत शत नमन। मुख्य रण प्रांगण रक्त तलाई में मैं आप सभी ग्रामवासियों की ओर से हमारे भजन गायक श्री विनोद जी गुजर दा जी का रक्त तलाई में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेवाड़ी एक परंपरा है कि अतिथियों का स्वागत, तत्पश्चात हम आज शहीदों के साथ बैठ के दादी के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि दिनेश जी और जमुनालाल जी और पंचायत समिति के हमारे प्रधान साहब वीरूलाल जी वीरवाल का कि आप तीनों हमारे मेवाड़ की माटी के लाल विनोद जी गुजर का इस माटी पर स्वागत करें क्योंकि ये आपका अपना कार्यक्रम है और आज शहीदों के साथ बैठ के विनोद जी दादी का जमुनालाल जी और दिनेश जी आप स्वागत करें।